कोरोना संक्रमण कम हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं अब जीका वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा है। महाराष्ट्र में कुल 10 मामले मिले हैं। पुणे से 9 नए संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए NIV भेजे गए हैं। मुंबई टास्क फोर्स इस वक्त अलर्ट पे है। अब जीका वायरस महाराष्ट्र के लिए सरदर्द बना है। राज्य में पहले डेंगू मलेरिया के मामलों के बीच जीका वायरस के 10 केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस साल मिले 10 मामलों की पुष्टि की है। कोल्हापुर में 4 मामले मिले, मुंबई में 2, इचलकरंजी में 2, पंढरपुर में 1 और पुणे में जीका वायरस का 1 मरीज मिला है। सबसे ताजा मामला पुणे के प्रतीक नगर के येरवड़ा इलाके का है, जहां एक 64 वर्षीय महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई है। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई और लक्षण वाले कुल 9 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने अक्टूबर महीने में केरल की यात्रा की थी। 7 नवंबर को एक पेशेंट आया था जीका पॉजिटिव। उसका ट्रैवल का हिस्ट्री था केरल का, और वहाँ से वो आने के बाद उसको सिम्टम्स होने लगे थे, तो उसका सैंपल NI में दिया था तो वो पॉजिटिव आया है। उसको फीवर, थोड़ा बॉडी एक, देन रैशेस शोर्स हिज बॉडी, ऐसा थोड़ा कंप्लेंट था, वीकनेस था थोड़ा। तो उसके घर में अभी तक किसी को भी इसी तरह की बीमारी, फीवर या दूसरा कुछ है नहीं। वो सब कॉन्टैक्ट के सैंपल हमने ले लिए हैं। पेशेंट अभी डिस्चार्ज होकर घर में रेस्ट ले रहा है। NIA में उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में 5 जो क्लोज रिलेटिव थे घर में, उनके सैंपल्स ले लिए हैं। और एरिया में हमने सर्वेलेंस के बाद जो 4 पेशेंट फीवर के दिखे, जिनको सिम्टम्स दिखे, वो 4 पेशेंट भी हमने उनके सैंपल भेज दिए NIA। उसका रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है। जीका वायरस के लगभग 80% रोगियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। वहीं अन्य मरीजों में बुखार, बदन दर्द, आंखों में जलन, शरीर पर दाने, जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण पाए जाते हैं। शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर में इसका वायरस बढ़ता है, लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को इसके प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। जीका वायरस का पहला मामला 1947 में युगांडा में सामने आया था। तब ये वायरस बंदरों में पाया गया था। 1952 में इसका पहला मामला इंसानों में पाया गया। इसके बाद अलग अलग देशों में इसका प्रकोप देखने को मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर होता है। जीका वायरस के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के लगभग 1 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। मुंबई टास्क फोर्स की भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू हैं। जनरली इसके अंदर ज़्यादा रहता है बच्चों में, और बच्चों में स्पेशली वो बच्चे जो प्रेग्नेंट लेडीज़, जिसको कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर थोड़ा सा सावधान रहने की बात होती है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी बच्चे में जाता है या बच्चों में इफेक्ट होने लगता है। मिसकैरेजेज होने के चांसेज हो सकते हैं, या माइक्रो एनसेफेलोपैथी, सेफेली वगैरह के भी चांसेज रहते हैं। अभी तक ऐसा सच गवर्नमेंट लेवल पर हमारे पास में कोई डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ, बट हमारे अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर्स के ग्रुप है, इंटेंसिविस्ट के ग्रुप है, फिजिशियंस के ग्रुप है, उसमें डेफिनेटली इस तरह के डिस्कशन होते रहते हैं। कोई भी अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं या अनयूजुअल कोई सिम्टम ऐसा लगता है, या जैसे अभी जीका वायरस का है, तो उसका भी हमारा 2-3 दिन से डिस्कशन चल रहा है। बट अगेन, वायरल डिजीज है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और अभी कोई ऐसा डरावने वाली बात या घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं लग रही। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के बढ़े मामलों के बीच मेल खाते जीका वायरस के लक्षण चिकित्सकों को भी उलझन में डाल रहे हैं। यानी फिर चुनौती आपके सामने है कि हर लक्षण को भांपें और समय पर इलाज कराएं कि इससे पहले बीमारी बड़ा रूप ले। पुणे से स्वरा परखी और मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।